हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे गाइस क्वेश्चन नंबर वन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर वन हमसे क्या बोल रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। मतलब हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, फाइव पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट हमें क्या दे रखा है, साइन 60 कॉस 30, साइन 60 मल्टीप्लाई कॉस 30 प्लस साइन 30 मल्टीप्लाई कॉस 60। ओके, और हमें क्या बोला हुआ है कि हमें इसे इवेल्युएट करना, मतलब हमें इसे एक्सपेंड करके लिखना है। ट्रिग्नोमेट्री गाइस, पिछली वीडियो में प्रीवियस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको टेबल कराया था। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में मैंने इन सब की वैल्यू आपको बताई थी, साइन 0 डिग्री की, साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 60 की, साइन 90 की, और कॉस 0 डिग्री, कॉस 30, 45, 60 एंड 90 की। ठीक है, सो वही हम सारे की सारी वैल्यूज़ को अब इसमें इनपुट करेंगे और हमारा आप आंसर निकालेंगे। ओके, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर वन में हमें क्या दे रखा है, साइन 60 मल्टीप्लाई कॉस 30 प्लस साइन 30 मल्टीप्लाई कॉस 60। ओके, देखो साइन 60 की गाइस वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री अपॉन में 2। ये होती है हमारी साइन 60 की वैल्यू। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है गाइस, रूट थ्री अपॉन में 2। जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही कॉस 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, ओके, सो देखो गाइस, साइन 60 की वैल्यू आएगी रूट थ्री अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू आएगी रूट थ्री अपॉन में 2। ओके, प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में 2। ये गाइस मैं जो वैल्यू लिख रहा हूँ ये मैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल मुझे याद है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल मुझे लर्न है, सो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ। आप भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कर लो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को लर्न कर लो, सो आपको भी वैल्यू याद हो जाएगी और आप भी इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे से आप कर सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ओके, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है गाइस, 1 अपॉन में 2। इज दैट क्लियर? अब देखो आगे हम क्या करते हैं, रूट थ्री अपॉन में 2 मल्टीप्लाई रूट थ्री अपॉन में 2 क्या होता है, रूट थ्री इंटू रूट थ्री करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 अपॉन में 2 इंटू 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 1 अपॉन में 2 कितना होता है, 1 अपॉन में 4। जब इसका हम निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4। ऊपर कितना आएगा, डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 4। फिर इसको 3 प्लस 1 कितना आ गया, 4 अपॉन में 4। जब इसको डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा, 1। बस और कुछ नहीं करना। सो गाइज, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। ओके, सो हमें पार्ट टू में क्या दे रखा है, 2 टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30। ये हमें पार्ट टू दे रखा है। ओके, अब देखो जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, पार्ट को भी, ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 2 का 2 सिंपल ऐसे कैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 1045। गाइस 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1। सो हम इसका करेंगे स्क्वायर, 10 स्क्वायर 45 बोल रखा है ना, मतलब जो 1045 की जितनी भी वैल्यू आएगी हमारे पास हमने बस उसका स्क्वायर कर देना है, जस्ट सिंपल, और कुछ नहीं करना, बस हमने उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 क्या होगा, ध्यान से देखो कॉस 30 की वैल्यू गाइज हमारे पास कितनी होती है, रूट थ्री अपॉन में 2। ओके, सो हमने इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है बस। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू गाइस कितनी होती है, रूट थ्री अपॉन में 2। हमने इसका भी क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, यहाँ तक किसी भी तरह का कोई डाउट है, बढ़िया। आगे देखो, 1 का स्क्वायर करेंगे तो गाइस कितना आएगा हमारे पास, 1, और 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो जस्ट ऐसे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस रूट थ्री अपॉन में 2 है, रूट थ्री, तो रूट थ्री का अगर हम स्क्वायर करेंगे सो हम स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना आएगा, 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4। माइनस ऐसे इसमें भी देखो, रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4। इज दैट क्लियर? अब देखो गाइस, एक और बहुत ही अच्छा मेथड है गाइस, 3 अपॉन 4 प्लस में है और 3 अपॉन 4 माइनस में, तो डायरेक्ट आप यहाँ से 3 अपॉन 4 और 3 अपॉन 4 को काट के आपका आंसर 2 आ सकता है।
ऐसे भी एक एक तरीका ऐसे है, वैसे भी कर सकते हो। एक तरीका है एलसीएम वाला, ठीक है। सो एक तरीका है एलसीएम वाला, मैं आपको एलसीएम वाले मेथड से ही करा देता हूँ। देखो एलसीएम वाले मेथड में क्या होगा, टू के नीचे वन आ जाएगा, जब किसी वैल्यू के नीचे कुछ नहीं होता तो वन आ जाता है, ठीक है। और फिर हम इसका बस एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा गाइस, फोर। यहाँ पे कितना आएगा, एट प्लस थ्री माइनस थ्री, ये आ जाएगा, ठीक है, यही आएगा ना। देखो एलसीएम लिया फोर, ओके, और वन को फोर से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, फोर। और फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एट। प्लस में फोर को फोर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, वन। और वन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, थ्री। माइनस फोर को फोर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, वन। और वन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, थ्री। सो एट प्लस थ्री माइनस थ्री अपॉन में फोर, इतना आ गया। अब देखो इसके बाद एट प्लस थ्री हमारे पास कितना होता है, इलेवन। इलेवन माइनस थ्री अपॉन में फोर, ठीक है। अगर इलेवन में से थ्री माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, एट। एट अपॉन में फोर, और उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा गाइस, टू। सो यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आया, टू आया। समझ में आ गया अच्छी तरह से कि मैंने क्या किया। बस गाइस इसमें ये है कि अब बस टेबल आपको याद होना चाहिए। टेबल याद होगा, आप सबकी वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करोगे और आंसर फटाक दर निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब देखो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट थ्री। सो चलिए गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट थ्री, ओके। पार्ट थ्री में हमें क्या दे रखा है, कॉस 45 डिग्री अपॉन में सेक 30 प्लस कॉस सेक 30, ठीक है। बस इसमें भी कुछ नहीं है गाइज, बस वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। सो चलिए हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज कॉस 45 की हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, कॉस 45 की वैल्यू होती है, मैं यहाँ कर दूँ, चलो मैं यहाँ कर लेता हूँ। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में रूट 2, ठीक है। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में रूट 2 अपॉन में सेक 30 की गाइस हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, रूट अपॉन में रूट 3, सॉरी 2 अपॉन में रूट 3, ठीक है। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 अपॉन में रूट 3। प्लस में कॉस 30 की गाइस हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, 2, ओके। कुछ नहीं है तो नीचे आ जाएगा 1, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो 1 अपॉन में रूट 2 ऐसा कैसा आएगा, अपॉन में अगर इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, रूट 3, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, 2 प्लस यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 2 रूट 3, ठीक है। तो 2 प्लस रूट 3 यहाँ पे आ गया। 1 को रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो रूट 3, और रूट 3 को 2 से करेंगे तो 2 रूट 3, 2 रूट 3, ठीक है। सो 2 रूट 3 यहाँ पे आ जाएगा इसका एलसीएम करके। अब देखो 1 अपॉन में रूट 2 ये हो गया। अब जब इस चीज़ को हम ऊपर लेके जाएंगे सो ये हम रेसिप्रोकल हो जाएगा, रूट 3 चल जाएगा ऊपर और 2 प्लस 2 रूट 3 आ जाएगा नीचे। सो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट 3 चल जाएगा ऊपर अपॉन में 2 प्लस 2 रूट 3 ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब देखो अब आगे करेंगे, सो यहाँ पे आंसर ऊपर कितना आ जाएगा, रूट 3 अपॉन में, और यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। सो गाइस देखो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं सो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ऐसे कुछ आएगा। देखो रूट 2 ब्रैकेट 2 प्लस 2 रूट 3, ठीक है, रूट 2 ब्रैकेट 2 प्लस 2 रूट 3। आगे देखो रूट 3 ऊपर का ऊपर सेम टू सेम आएगा, जब इसका इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। सो रूट 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया, 2 रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस मल्टीप्लाई 2 रूट 3 कितना आ गया, 2 रूट 6, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो इक्वल्स टू रूट 3 ऊपर सेम टू सेम ऐसा कैसे आएगा, ये चेंज नहीं होने वाला। आगे क्या है हमारे पास, ठीक है, रूट 3। और अब देखो इसका करना है, इसका हमने करना है रेसिप्रोकल। मैं एक और बार इस चीज़ को लिख देता हूँ, 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6, ठीक है। अब हम इसका करते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कैसे करेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो इस चीज़ का हमने न्यूमिनेटर में
और डिनोमिनेटर में दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करना है देखो, रूट थ्री अपॉन में टू रूट टू प्लस टू रूट सिक्स मल्टीप्लाई। जब इस चीज़ का न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो बीच मल्टीप्लाई करेंगे सो जो बीच का साइन होता है वो गाइस चेंज हो जाएगा। टू रूट टू प्लस टू रूट सिक्स है तो टू रूट टू माइनस टू रूट सिक्स आ जाएगा बस, और कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, टू रूट टू माइनस टू रूट सिक्स अपॉन में टू रूट टू माइनस टू रूट सिक्स इतना आ जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब देखो गाइस, अब क्या होगा, रूट थ्री को इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो, रूट थ्री ब्रैकेट में टू रूट टू माइनस टू रूट सिक्स, ठीक है, अपॉन में। अब इन दोनों का हमने क्या करना है, इसको ब्रैकेट में और इसको ब्रैकेट में दोनों एक साथ लिख दो। ठीक है गाइस, मैं टू रूट सिक्स को पहले लिख दूंगा बस, और कुछ ज़्यादा मैं चेंज नहीं करूँगा। जैसे ऐसे देखो, टू रूट सिक्स प्लस में टू रूट टू, और मैंने कुछ नहीं किया बस उसको पहले लिख दिया। ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया मैंने। टू रूट सिक्स प्लस टू रूट टू मल्टीप्लाई टू रूट सिक्स माइनस टू रूट टू, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो, अब हमने क्या करना है, इक्वल्स टू, अब हमने इन दोनों में से टू कॉमन आ रहा है, टू रूट टू माइनस टू रूट सिक्स में से टू कॉमन आ रहा है, सो इस टू को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, टू को बाहर कॉमन लेंगे सो ये रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो हो जाएगा टू रूट थ्री। ठीक है, और अंदर क्या हमारे पास सिर्फ बच जाएगा, ये बच जाएगा रूट टू माइनस रूट सिक्स। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, अपॉन में देखो क्या करना है। अपॉन में गाइस एक फॉर्मूला लग रहा है, मैं आपको बताया तो हम कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, सो गाइस ये वाला कौन सा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो बस हम ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। देखो कैसे अप्लाई करते हैं, अप्लाई हम गाइस कैसे करेंगे, इस चीज़ को हम ले लेते हैं ए एंड इस चीज़ को हम लेट कर लेते हैं बी बस। ठीक है, सो ए का स्क्वायर मतलब टू रूट सिक्स का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब टू रूट टू का स्क्वायर, टू रूट टू का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब क्या करना है, टू रूट थ्री, अब गाइस मैं रूट सिक्स को पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा, रूट सिक्स माइनस टू रूट रूट टू, ठीक है, अपॉन में। अब देखो, टू रूट सिक्स का जब हम स्क्वायर करेंगे तो टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर और रूट सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा सिक्स, तो फोर सिक्स कितना होता है ट्वेंटी फोर माइनस, अब टू रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, टू का स्क्वायर होगा फोर और रूट टू का स्क्वायर होगा टू, सो फोर टू जा एट, सो कितना आ जाएगा ट्वेंटी फोर माइनस एट। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो, अब क्या करना है, हमने ऊपर वाला तो सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे, टू रूट थ्री अपॉन ब्रैकेट में रूट सिक्स माइनस रूट टू अपॉन ट्वेंटी फोर माइनस एट कितना होता है सिक्सटीन। अब देखो क्या करना है, टू से सिक्सटीन को हम कैंसिल कर देंगे एट पे, कैंसिल हो सकता है। ठीक है, हो गया। अब देखो, सो गाइज अब हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट थ्री अपॉन ब्रैकेट में रूट सिक्स माइनस रूट टू अपॉन एट, इतना आ गया। ठीक है, अब देखो, अब इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई कर दो और इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इस एक वैल्यू को पहले इससे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट सिक्स कितना होता है रूट एटीन माइनस रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट टू कितना होता है रूट सिक्स अपॉन में एट। ठीक है, अब देखो गाइस, रूट एटीन का जब हम रूट निकालेंगे, आपको निकाल के दिखा देता हूँ। देखो,
एलसीएम के मेथड से मैं रूट निकाल रहा हूँ गाइस। वैसे रूट निकालने का 8th क्लास में आपने सीख लिया होगा कि रूट कैसे निकालते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे को नहीं आता है, सो एक बार मैं उसको सिखा देता हूँ। देखो मैं एलसीएम के मेथड से रूट निकाल रहा हूँ, ठीक है। कौन सा एलसीएम के मेथड? ये हमने 18 का रूट निकालना है ना, सो 18 2 के टेबल में 18 कितने पे आता है, 9 पे आता है, और उसके बाद कितना आएगा 3, उसके बाद कितना आएगा 3, ठीक है। तो ये हो गया एलसीएम का मेथड। इसमें क्या होता है, जो चीज़ कॉमन होते हैं उसको हम एक बार लिख दें, और जो चीज़ कॉमन नहीं होती है उसको हम ऐसे लिख देते हैं, रूट में लिख देते हैं, ठीक है। सो इसका रूट कितना आ गया, 18 का रूट कितना आ गया, 3√2। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 3√2 माइनस √6 का, 6 का कोई गाइस रूट नहीं होता है, ठीक है, रूट होता है लेकिन पॉइंटों में आंसर आता है, सो हमें पॉइंटों में भी इसमें आंसर नहीं चाहिए। सो गाइस ये आ गया हमारा आंसर, 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8, दिस इज द आंसर।